नमस्कार दोस्तों, बागेश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा आर्या। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आई हूँ चर्चा के लिए, जिससे लगभग सभी छोटे बड़े राजस्थान के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कांस्टेबल से लेकर के आरएस परीक्षाओं तक इसके प्रश्न पूछे गए हैं, केवल पूछने का तरीका अलग है। छोटी परीक्षाओं में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आरएस परीक्षा में सुमेलित करने के लिए ऐसे संगीत संस्थान नाट्य संस्थान दे दिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बहुत ही क्लासिफाइड तरीके से इनका अध्ययन करते हैं आज, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में आपके पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। साथ ही एक और खास बात यह है दोस्तों कि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, यदि इसको बहुत अच्छे से रट लिया जाए तो दो या तीन प्रश्न हमारे डेफिनेटली सही होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी वीडियो के पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है बागेश्वरी प्रतिभा आर्य नाम से, आप वहाँ सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे सभी वीडियोज़ के। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख साहित्य कला संगीत संस्थान, दोस्तों इन संस्थानों में जो संगीत और कला के संस्थान हैं, दो संस्थान जोधपुर में हैं। कौन कौन से? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और रूपायन संस्थान जोधपुर। अब ये क्या क्या कार्य करते हैं देखते हैं। जो राज्य की संगीत से, नृत्य से और नाट्य की जो भी विधाएं होती है, जितने भी प्रकार के नाटक होते हैं, उन सभी के प्रचार के लिए, उन सभी का संरक्षण करने के लिए और उनके माध्यम से जो हमारी सांस्कृतिक एकता है उसको बनाए रखने के लिए जो काम करती है, वो है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। यानी कि राजस्थान के संगीत को, राजस्थान के नाटक को ये संरक्षण प्रदान करती है। साथ ही जो एक संस्था के रूप में ये एक ऐसा मंच भी प्रदान करती है जिससे कि ये कलाएं और ये नाटक पच पाएं। तो इस प्रकार राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। इसके पश्चात दूसरा संस्थान हम देखते हैं, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में है। ये बहुत ही प्रमुख संस्थान है दोस्तों। राजस्थान के जितनी भी लोक कलाएँ हैं, लोक संगीत है या वाद्य हैं, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, कुछ ऐसी कलाएं हैं जो बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर ही है। उनकी पूरी तरह खोज की जाती है, उन पर खोज की जाती है, उन पर रिसर्च किए जाते हैं और उनके जो कलाकार हैं, उन संबंधित कलाओं के कलाकार, उनको किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। तो जो स्वर्गीय कोमल कोठारी थे, उनके द्वारा इस संस्थान को स्थापित किया गया। और इसके अतिरिक्त जो कोमल कोठारी थे, वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है ये जोधपुर में है, बोरुंदा जोधपुर में। और दोस्तों, ये जो रूपायन संस्थान है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। दो प्रकार से प्रश्न आते हैं, रूपायन संस्थान क्या कार्य करता है? तो लोक कलाओं, संगीत और वाद्य यंत्र को और विभिन्न जो कलाएं हैं उनको संरक्षण का कार्य करता है, पहली चीज़। दूसरा प्रश्न ये आता है कि रूपायन संस्थान नाम की संस्था कहाँ पर है? तो बोरुंदा जोधपुर में है। इस प्रकार जो प्रमुख कला और संगीत की संस्थाएं हैं, दो संस्थाएं जोधपुर में हैं, संगीत नाटक अकादमी और रूपायन संस्थान, दोनों चीज़ें जोधपुर में हैं। इसके पश्चात दो ऐसे संस्थान हैं जो उदयपुर में हैं। कौन कौन से? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर और पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। दोस्तों, ये जो दोनों ही संस्थाएँ हैं, ये भारतीय स्तर की संस्थाएँ हैं। ये संस्थाएँ देखिए क्या क्या कार्य करती हैं। पहली है भारतीय लोक कला मंडल। जो भारतीय लोक कला मंडल है, ये मुख्य रूप से जो राजस्थान की कठपुतली कला है या इसके अतिरिक्त भी जो छोटी कलाएं होती है, उन सभी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 1952 में स्थापित की गई थी। और जो मुख्य रूप से इसके जो पद्मश्री प्राप्त जो व्यक्ति हैं, देवीलाल सामर, वो इसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कठपुतलियों का संरक्षण, विभिन्न प्रकार की कठपुतलियों के विषय में शोध कार्य करना, इन सभी के लिए ये लोक नाट्य कला मंडल उदयपुर समर्पित है। केवल कठपुतलियों की नहीं, इसके अतिरिक्त भी जितनी भी शिल्प कलाएं राजस्थान के अंतर्गत मौजूद हैं, उन सभी को संरक्षण दिया जाता है इसके द्वारा। तो जो उदयपुर है, उसमें भारतीय स्तर की लोक कला मंडल है, जिसे कि पद्मश्री देवीलाल सामर के द्वारा स्थापित करके इसको पोषित किया जा रहा है, उसका प्रचार किया जा रहा है। और यही संस्थान है, इसके अंतर एक लोक सांस्कृतिक संग्रहालय भी है, यानी कि इन्होंने जितनी भी अब तक खोज वगैरह की है, उन सभी के लिए एक म्यूजियम बना रखा है उसमें। तो इस प्रकार भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है, पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र भी उदयपुर में है। यानी कि भारत में
विभिन्न प्रकार के लोक संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए 7 संस्थान हैं कुल। उन 7 संस्थाओं में हर एक संस्थान अलग अलग दिशा का सूचक है। तो पश्चिम, भारत के पश्चिम क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है वो उदयपुर में स्थापित किया गया 1986 में। इसमें क्या किया है, जितनी भी लोक कलाएं पश्चिमी क्षेत्र की, केवल राजस्थान की नहीं पूरे भारत की पश्चिमी क्षेत्र की जितनी भी कलाएं हैं, उन सभी कलाओं का पुनरुत्थान करने के लिए, उनको एक सही मंच उपलब्ध करवाकर किसी भी प्रकार से जो हस्तशिल्प है उन सभी को एक जगह एकत्र करके इनको एकीकृत किया जा रहा है, साथ में इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है इनको। तो इसके लिए ये पश्चिमी क्षेत्र का कार्यालय है। अब जिसका जो कार्य क्षेत्र है ये केवल राजस्थान नहीं है, ये जो पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है इसमें बहुत सारी जगह आती है, जैसे नीचे गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये चारों राज्य आते हैं इसमें। पश्चिम क्षेत्र यानी कि भारत के पश्चिम क्षेत्र की जितनी भी लोक संस्कृतियाँ हैं उन सभी को संरक्षण देती है ये। लुप्त हुई कला को, उसके कलाकार को सही मंच उपलब्ध करवाकर। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो लोक कला से संबंधित 2 संस्थान हैं भारतीय स्तर के, वो दोनों उदयपुर में हैं। भारतीय लोक कला मंडल भी उदयपुर में है और पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र जो कि 1986 में स्थापित किया गया था वो भी उदयपुर में है। इसके पश्चात जितने भी संगीत और नाट्य के संस्थान हैं वे सब के सब जयपुर में हैं। केवल 4 हमें याद करने हैं, जो राजस्थान की संगीत नाट्य अकादमी है, रूपायन संस्थान है और इसके अतिरिक्त उदयपुर के ये दोनों संस्थान। केवल ये ही 4 संस्थान हैं जो अलग हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी संगीत और नाटक के संस्थान हैं सब जयपुर में हैं। आइए उनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला है राजस्थान संगीत संस्थान। ये संगीत शिक्षा हेतु 1950 में स्थापित किया गया था। विभिन्न प्रकार के जितने बजाने, नाट्य की 3 विधाएं होती हैं दोस्तों, बजाना, नाचना और गाना, इन तीनों का ये प्रशिक्षण देता है और समय समय पर जो ख्याति प्राप्त संगीतज्ञ उन लोगों को बुलाता है। इसके पश्चात है जयपुर कथक केंद्र। दोस्तों जयपुर घराना कथक के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है बहुत पुराने समय से। तो कथक केंद्र में यहाँ पर कथक जो शास्त्रीय शैली है राजस्थान की उसको पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। 1978 में इसको स्थापित किया गया था। इसके पश्चात देखते हैं जवार कला केंद्र, जिसे JKK भी कहा जाता है यहाँ स्थानीय भाषा में, जो राज्य की पारंपरिक और विलुप्त होने वाली कलाएं हैं, यानी कि हमारे जो राज्य की स्पेशली जो राजस्थान की कलाएं हैं उन सभी के लिए संरक्षण करती है, उन सभी को खोजती है कि किस किस क्षेत्र में, किस किस ग्रामीण अंचल में किस किस प्रकार की कलाएं हैं जो कि संवर्धन करने योग्य हैं, उन सभी का विकास करती है। और 1993 है दोस्तों, ये गलत हो गया, 1993 है, 1993 में इसको स्थापित किया गया था। और इसका जो भवन बना हुआ है जवाहर कला केंद्र का, ये इस भवन का जो वास्तुविद है वो चार्ल्स कोरिया है। चार्ल्स कोरिया एक विदेशी व्यक्ति है, उसने इसका वास्तुकला का संपादन किया है। इसके पश्चात रविंद्र रंगमंच है। रविंद्र रंगमंच एक इस प्रकार की संस्थान है, ये सोसाइटी है एक प्रकार की जो 1963 में स्थापित की गई थी। जितने भी प्रकार के पारंपरिक राजस्थान में नाटक हैं, संगीत है, नृत्य है, उन सभी को मंच प्रदान करता है रविंद्र रंगमंच। इसके पश्चात है ललित कला अकादमी। ललित कला से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन सभी का संरक्षण और परिवर्धन यहाँ किया जाता है। ललित कला के अंतर्गत वे सारी शिल्प कलाएं आती हैं दोस्तों। शिल्प कला यानी चाहे वो मूर्ति से संबंधित हो, पेंटिंग से संबंधित हो और किसी भी तरह की छोटी छोटी कलाएं जितनी राजस्थान के सभी ग्रामीण अंचलों में हैं उन सभी को संरक्षण प्रदान करती है ललित कला अकादमी। इस प्रकार हमने देखा, फिर से देखते हैं संगीत नाटक अकादमी, रूपायन संस्थान, ये दोनों जोधपुर में हैं। भारतीय लोक कला मंडल और पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र ये उदयपुर में है। इसके अतिरिक्त जितने भी संगीत और नाटक के संस्थान हैं सब जयपुर में हैं, इस प्रकार याद कर सकते हैं। इसके पश्चात महाराजा सवाई मान सिंह के समय पर एक मदरसा है हुनरी की स्थापना की थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट का कार्य किया जाता था, विभिन्न प्रकार की कलाओं को संरक्षण दिया जाता था। इसके पश्चात महाराजा मानसिंह ने इसका नाम महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट रख दिया, लेकिन वर्तमान में इसका जो नाम है ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है जो कि जयपुर में है। तो एक ये भी नया संस्थान है। इसके विषय में पूछा जाता है कि मदरसा हुनरे की स्थापना किसने की थी, तो हमारा उत्तर होगा सवाई मानसिंह ने इसकी स्थापना की थी। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो सारी चीज हुई कला, संस्कृति और नाट्य से संबंधित। अब हम बात करेंगे राजस्थान में साहित्य से संबंधित कितनी संस्थाएं हैं।
साहित्य की संस्थाओं को याद करने का भी यही क्रम रहेगा। कुछ ही ऐसे संस्थान हैं जो कि बाहर है, बाकी अधिकतर संस्थान जयपुर में ही हैं, जिसमें प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है जो कि जोधपुर में है। अब जो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है, इसके क्या खास बात है कि जितने भी हस्तलिखित ग्रंथ हैं, पांडुलिपियाँ हैं, उन सभी का संरक्षण करती है, उनका संपादन करती है और प्रकाशन करती है समय समय पर। तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान हस्तलिखित ग्रंथों से संबंधित संस्था है जो कि जोधपुर में है। अब इसमें से प्रश्न आता है, साहित्य का ऐसा संग्रहालय जहाँ पर हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह किया जाता है वो कहाँ पर है? तो जोधपुर में है और नाम है उसका प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। अगला हम देखते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है और राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा ही राजस्थान का सर्वोच्च साहित्य सम्मान यानी कि मीरा सम्मान, मीरा पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले ये मीरा पुरस्कार दोस्तों रामानंद तिवारी नाम के व्यक्ति को दिया गया था, डॉक्टर रामानंद तिवारी को, साहित्य के क्षेत्र में। इस प्रकार ये भी दो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर में। और मीरा पुरस्कार किस साहित्यिक संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा मीरा पुरस्कार दिया जाता है। अगला हम देखते हैं दोस्तों, बीकानेर के दो संस्थान है। बीकानेर में दो संस्थान हैं साहित्य से संबंधित, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी। जैसा कि नाम से हमको पता लग रहा है, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी का साहित्य और राजस्थानी संस्कृति, इन सभी के संरक्षण का कार्य करती है राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी। और इसकी जो स्थापना है 1983 में की गई थी, जो कि बीकानेर में है। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, राजस्थानी भाषा का संरक्षण कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी, संस्कृति अकादमी, और ये कहाँ है? बीकानेर में है। दूसरा इसका जो प्रमुख चीज़ है जो बार बार पूछी जाती है, राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ है? तो राजस्थान राज्य का अभिलेखागार बीकानेर में है दोस्तों। जितनी भी इतिहास से संबंधित सामग्री है उसको सुरक्षित रखती है ये। तो आप यहाँ पर मुगल काल से लेकर के अभी तक के सारे दस्तावेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। और वर्तमान में जो सरकारें हमारी चल रही है, प्रत्येक सरकार का पुराना 25 साल तक का रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाता है। इस प्रकार बीकानेर के अंतर्गत भाषा साहित्य अकादमी है तथा जो अभिलेखागार है राजस्थान राज्य का वो है। तो दो चीज़ें बीकानेर में हैं। इसके पश्चात एक प्रसिद्ध है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, जो कि टोंक में है। अरबी फारसी शोध संस्थान के नाम से ही पूछा जाता है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना भी हमें याद करनी है क्योंकि दो तीन बार ये परीक्षाओं में पूछी भी गई है। इसके पश्चात बात करते हैं राजस्थान में भाषाओं के संबंधी अकादमियाँ। राजस्थानी पंजाबी भाषा की अकादमी गंगानगर में है। इसके अतिरिक्त सभी भाषाओं की अकादमियाँ जयपुर में हैं। संस्कृत अकादमी, ब्रिज भाषा अकादमी, सिंधी भाषा अकादमी, उर्दू भाषा अकादमी, इस प्रकार ये सारी अकादमियाँ जयपुर में हैं। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है, राजस्थान साहित्य अकादमी जहाँ से मीरा पुरस्कार मिलता है ये उदयपुर में है, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी और अभिलेखागार दोनों बीकानेर में है, और अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है 1978 में स्थापित। पंजाबी भाषा का, जैसा कि हम जानते हैं, पंजाब से टच में जो एरिया है यानी कि गंगानगर, वहाँ पर स्थापित है। इसके अतिरिक्त सभी भाषाओं की जो अकादमियाँ हैं वो जयपुर में ही स्थापित हैं। अब एक कुछ और इसके तथ्य याद करने लायक है कि राजस्थान के धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण की स्थापना 2006 में जयपुर में की गई। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो धरोहरें हैं राजस्थान से संबंधित, उनको संरक्षित किया जाता है तथा उनके विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक पीठ स्थापित की गई है, अंबेडकर पीठ, जिसमें अंबेडकर का जो भी दर्शन था उनसे संबंधित विचारधारा का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, जो कि जम्वा रामगढ़ जयपुर में स्थापित है। दोस्तों राजस्थान साहित्य और कला से संबंधित जितने प्रश्न आते हैं उनमें एक प्रश्न और आता है कि विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएँ, इन संस्थाओं से संबंधित जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मधुमती साहित्य अकादमी की तरफ से, उदयपुर की तरफ से प्रकाशित मासिक पत्रिका है। मधुमती एक पत्रिका है जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा प्रकाशित है हर महीने।
एक जागती जोत है जो कि बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा प्रकाशित है। जागती जोत का प्रकाशन कहाँ से किया गया है? ये पिछले से पिछली बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था। रिहाण, रिहाण क्या है? राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी जो है उसके द्वारा ये वार्षिक पत्रिका है रिहाण। इसके अतिरिक्त ब्रज शतदल, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, राजस्थान की ब्रज भाषा अकादमी के द्वारा ये वार्षिक पत्रिका है एक। दोस्तों, इसके अतिरिक्त राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जितने भी पत्र और पत्रिकाएं हैं उनके विषय में एक हमारा वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां उससे जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, राजस्थान के साहित्य नाट्य संगीत अकादमियों से संबंधित आज हमने अध्ययन किया। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसे याद करने का भी सही तरीका मैंने अभी बताया। इसमें से एक दो प्रश्न आ ही जाया करते हैं किसी न किसी परीक्षा में। राजस्थान के सभी परीक्षाओं में दो तीन प्रश्न ऐसे आते हैं, तो इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो एक दो बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत बड़ा ये टॉपिक नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो की उपयोगिता बढ़ सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।